फाइनली यहाँ पे काम तो स्टार्ट हो गया है बारिश से पहले, क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है, बारिश का टाइम होने वाला है, और यहाँ पे अभी काम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि डर ही डर है यहाँ पे। अब देखते हैं कब तक यहाँ का काम ख़त्म होता है। चल बाय बाय कर देना। और ये देखिए दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की यहाँ। तब अरे कि दिन आए दिन तो ये देखे यहाँ पे गुड़ाई हो रही है धान की। तुम्हारे यहाँ पे लगा दी मिर्च, ये लगा दी है यहाँ पे मिर्च का सीजन भी है अभी। और यहाँ पे प्रणाम पे देखिए, यहाँ पे बो रखे हैं इनको, हमारे भाषा में लुंगला बोलते हैं। तो ये कद्दू की बेल है, तो इस पर अब कद्दू लगी। मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं इधर सगवाड़े में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सभी को मेरा प्यार अपना मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरवराना स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू एवं मेरी तो चले करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, सॉरी, और आज है संडे। तो देख रहे हैं आप, मैं एकदम तैयार हूँ, सब लोग तैयार होके, राम जी है, शिवांश है यहाँ पर, तो हम सब लोग तैयार होके अब हम जा रहे हैं अपने मायके, मेरे मायके वसंत नगर। और आज मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, लगभग 5 महीने बाद जा रही हूँ मैं वसंत नगर। तो वहाँ जाने का भी मेरा कुछ खास कारण है, उसका ब्लॉग मैं कल दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम कुछ खास काम से, तो चलिए जी आगे आगे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चलते हैं। तो चलिए जी दिखाती हूँ आपको आगे कैसा फिर बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। और मौसम भी आज कुछ बारिश की जैसे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो चलते हैं, फटाफट हो सकता है बारिश हुई है। सीढ़ियाँ बहुत है, 4-4, 5-5 सीढ़ियों को चढ़नी पड़ती है हमें। फाइनली यहाँ पे काम तो स्टार्ट हो गया है बारिश से पहले, क्योंकि अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है, बारिश का टाइम होने वाला है, और यहाँ पे अभी काम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि डर ही डर है यहाँ पे। अब देखते हैं कब तक यहाँ का काम ख़त्म होता है। चल बाय बाय कर देना। हमें ना आज बहुत भयंकर हो रखा है, सुबह से ऐसे हो रखा है, जैसे हम अभी चलना स्टार्ट हो गए घर के लिए, वैसे बूंदे बांधे भी होने लग गए, मोटा मोटा बूंद पड़ा। वैसे आजकल बारिश मतलब परसों से हो रही है, कुछ दिन पहले से, क्योंकि पहले से तो ये बात और हो रही है ऐसे कि पता ही नहीं चल रहा कभी, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई के फैशन ही नहीं होती, कभी एक कपड़ा करना होता कभी दूसरे का, लोगों की मतलब बीवियों में टाइम होता तैयार होने में, अरे पति भी होता तैयार होने का टाइम, सारी हरियाली आने वाली, क्योंकि अब आने वाला शावर का मैंने इसके पास। और ये देखिए दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की यहाँ पे, बूंदे बांदे हो रही है वैसे, पर रोड हल्की हल्की गीली आप देख सकते हो, कहीं कहीं गीली हो रखी है रोड भी। तो भी हमारा बहुत लंबा सफ़र है अभी, तो हमें स्टार्ट हुए चलने यार, पता नहीं क्या पता भीगे ही ना जाए हम आज, हम तो भीगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिवांश भीगेगा तो उसके पापा क्या आज खैर नहीं है, क्योंकि इन्होंने लेट करी यार, मौसम देखे कितना भयंकर हो रहा है। स्टार्ट हो गई है और अभी हम आ रहे हैं मटके पुल के ऊपर, तो
पे अभी एकदम से धूप लग रखी है और साथ में हो रहे हैं बारिश की बूंदें बांधे। यहाँ पे भी जैसे भी लग रहा, क्योंकि यहाँ पे भी मकान बन रहा है। अरे यहाँ देखो पार छोटा है पर अच्छा है ना, अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे खेतों में गुड़ाई चल रही है, तो यहाँ पे ना यहाँ पे लेडीज की गुड़ाई कर रही है लकड़ी काटने पर। यहाँ पे धूप लग गई है, देखो लकड़ी की काठी। ये ना घोड़ों के पीछे रहता पड़ा हुआ मेरा बेटा, लगा रहता है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा फोन में देख देख के ना। यहाँ हम ना पहले भैंसों को नहलाने जाते हैं इस वाले खाले में, थोड़ा सा ऊपर है वहाँ पे बना रखा नहलाने के लिए। तो पहले हम मतलब इस गर्मी के टाइम पे ला देते, क्योंकि वहाँ पे ना पानी बूंदा हुआ रहता था, कट्ठा रहता था करा हुआ, तो वहाँ लाते थे हम। तो फाइनली हम अपने गाँव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और रोड देखो पूरी गीली हो रखी, तो इतनी बारिश हो रही है अभी सिर्फ। और शिवांश को तो मज़ा आता है बारिश में, है ना शिवांश? सामने रही हमारे गांव की दुकानें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी नगरी में, और ये देखो यहाँ पर फील्ड, और इसके तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चल ऊपर देखो पापा ऊपर रुक रहे, तो ना गाड़ी घुमा के आए हैं जी, तो इसलिए ऊपर आ रखे। इधर हाथ दे मम्मा के पास, हैंडू दे दो इधर, चलो। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप फौजी के टाइप का कुछ बना हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये देखिए यहाँ पे जो राजेश श्रीमाल जी हैं वो देते हैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग। ये देखो पार से चिल्ला रहे ब्लॉगर, शकल दिखा दे अपने ले। तो वहां से चिल्ला रहे हैं भाई लोग। हाँ तो यहाँ पे ना ये राजेश श्रीमाल जी यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, मतलब बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ पे आए रहते हैं, और ये अपनी तरफ से मतलब फ्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और काफ़ी लोग यहाँ पे फील्ड भी काफ़ी हैं ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने काफ़ी एरिया जगह ले रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बच्चे आ रखे हैं वहाँ पे बाहर। तो बहुत दूर दूर के लड़का और लड़कियाँ भी आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं अपनी तरफ से फ्री पढ़ाई। तो काफ़ी मेहनत कर रहे, काफ़ी साल हो गए हैं इनको, और इनके दिए हुए ट्रेनिंग के बच्चे मतलब काफ़ी निकल भी रखे हैं बहुत जगह दूर दूर तक, नैनीताल वगैरह तक यहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ के। हाय 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 हाय, ब्रेक लगा ले ब्रेक, आ जा। इसको देखो यहाँ कितना मज़ा आता है इसको फील्ड में, यहाँ पूरे फील्ड है ना ऐसे, इसलिए तो यहाँ की बात ही कुछ और है। बाय बाय ले, सब थोड़ी लू तब चिप्स पकड़ है और अबले चार्ज हो रहा ना। अब हम जाएंगे ऊपर गाड़ी घर तक ही। तब अरे कि दिन आए दू दू योग दिन तो ये देखे यहाँ पे गुड़ाई हो रही है धान की। तुम्हारे वीडियो में बड़ा बड़ा ही फोन था का नहीं? और यहाँ पे ये है मक्की, और यहाँ पे गुड़ाई हो रही है धान की, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो इसलिए धान हो रही, क्योंकि इस बार रोपाई शुरू होने वाली है। तक तो देखो यार मैं क्या तो आता नहीं बोली तुम भी बाटा पड़ मतलब वही कह देना तो आप ना होने छी। ये घिल्डा ला रखा है कबाड़ के तभी तो चल ठीक बोल मिल तो मेरे बेटा लाई तपन भाजी तक। अरे यहाँ पे ये बो रखी है अरबी, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कुचाएं। अरे नहीं बोलो सब्जी वाओ ताकि कहा। ये देखिए यहाँ पे सारे अरबी लगा रखी है, अरबी की सब्जी इतनी अच्छी होती है, जो कि हमारी भाषा में इसको कुचाएं बोला जाता है। और यहाँ सारी गुड़ाई हो रखी है, और धान के साथ साथ अरबी, और ये है भट, जो कि हमारे भाषा में इसको भट बोलते हैं, वैसे सोयाबीन बोला जाता है इसको। तो सारे लोग अपने खेतों में गुड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे ये चाची है, तो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो शिवांश के पापा और शिवांश तो भाग गए आगे आगे, और मैं जा रही हूँ पैदल, तो वो गाड़ी में चले गए थे। तो इस साल अरबी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लगा रखे सब ने, तो हमारे इधर वाले खेत हैं ये देखो। पिछली बार मैंने जब दिखाया था बहुत छोटी छोटी मक्की जमी रही थी उस टाइम पे, तो ये इतनी बड़ी हो गई मक्की। तो ये कुछ जहाँ जहाँ पे घनी होगी वहाँ वहाँ पे मतलब गाय को देंगे, और जहाँ पे मतलब ऐसी होगी वो खुद के खाने लगे। और सोयाबीन है उसके बीच में, नीचे वाले में धान है, और यहाँ पे सोयाबीन ये देखिए यहाँ पे।
और यहाँ पे, और ये देखिए इतने बुरे हाल, और किस बात पर जोड़ होंगे, गुड़ाई करी होगी भाभी लोगों ने, और टाइम पे मतलब और जगह देख सकते हैं, इस टाइम पे मतलब कितनी हरियाली हो रखी है, तो उससे ना हरी होने और पीली हो रखी है एकदम बिना बारिश के, क्योंकि बारिश नहीं हुई इस चक्कर से। और ये रोपाई के लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ से फिर निकाला जाता है बाद में धान, जब रोपाई होती है तो रोपाई वाले खेतों में लिया जाता है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ छोड़ा जाता है, तो उसका भी ट्रैक्ट होता है निकालने का बीज का, और सारी मक्की मक्की। तो ये भी रोपाई वाला खेत है ये भी, तो ये जितने भी खाली खेत हैं मतलब इनमें सब में रोपाई होगी उधर तक, और अब तो पूरी हरियाली हरियाली होने वाली है इधर को। और अभी यहाँ पे धूप भी छिपने वाली है, सामने देख सकते हैं आप। तो यहाँ गांव में आके मज़ा ही कुछ और होता है, सुकून शांति सब की भरमार है यहाँ पे। यहाँ पे लगा दी मिर्च, ये लगा दी है यहाँ पे मिर्च का सीजन भी है अभी। और यहाँ पे प्रणाम, कौन है यू पानी ऐसे पर क्या लगाए मर्च तो एक बार तन बार लगाए और। अच्छा तो ये मिर्च की यहाँ पे सिंचाई हो रही है, और इतने छोटे छोटे हैं अभी तो फिलहाल लगाई है, तो इन्हें रोज सिंचाई करनी पड़ती है, इनकी सींचना पड़ता है इनको, तब जाके अच्छे से होंगे। उधर तक करने बड़ी वही तो वो पहले की लगा रखी है इसलिए वो बड़ी बड़ी है, और इधर आजकल लगा रखी इधर छोटे छोटे। चाचा गए भाई समा कख, मैंने तो देखी नहीं भेड़। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ये आते ये शुरू हो जाता है यहाँ पे गायों बासली बासली बोल बोल के हेलो। ये देखिए यहाँ पे बो रखे हैं इनको, हमारे भाषा में लुंगला बोलते हैं। तो ये कद्दू की बेल है, तो इस पर अब कद्दू लगेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी पड़ता रहता है, पानी डालते रहते ना पानी के बगल में जस्ट, इसलिए टमाटर का पेड़ मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे भाई बहनों ने थोड़ा पहले से लगा रखी मिर्च, इसमें तो हरे थोड़े थोड़े सफ़ेद सफ़ेद फूल भी लगने लग गए, और साथ में बीच बीच में पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी क्या लेने वही बीच बीच में पत्ता गोभी भी लगा रखी है, तो ये अभी छोटे छोटे है, बाकी ये टमाटर है नीचे। और यहाँ देखिए शिमला मिर्च इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसमें भी ये फूल लगने वाले हैं। कौन सी बड़ी क्यों पता नहीं। और इधर भी सारे मिर्च लग रही है और काफ़ी अच्छी हो रखी है, और ये है पत्ता गोभी यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी ये खुली खुली सी है, बंद तो नहीं हुई है अभी यहाँ पे। मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं इधर सगवाड़ा में ज़रूर आती हूँ, कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर बार कुछ नया होता है इस चक्कर से। और ये देखिए पिछली बार मैंने गुलाब जल बना के दिखाया था आपको कि किस तरीके से बनाया, तो उसमें ना बारिश से ओलों से पूरे गुलाब जल गुलाब मतलब गिर गए थे, तो इसलिए हमने पूरे निकाल दिए थे, और इसमें दोबारा से फूल आते हैं। ये देखिए सामने वाले में भी देखिए कितने अच्छे खिल रखे हैं, और यहाँ पर भी ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आ रखे हैं। और यहाँ पे ये है 56 कद्दू यहाँ पे लग रखे, तो अभी ना थोड़ा सा ही बड़ा होता है 56 कद्दू का पेड़ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये अखरोट है, तो ये बंद हो रखा है अच्छे से, तो अखरोट का पेड़ यहाँ पे लगभग इतना हो गया है, सिवा उसके बराबर हो गया है यहाँ पे। और ये ऊपर वाले खेत में पिछले बार दिखाया था मैंने, यहाँ पे मक्की थी और दाल वगैरह बो रही थी, वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है इस बार, क्योंकि मैं 4-5 महीने बाद आई। और ये नीचे वाले खेत में आजकल हल लगा था, इसमें अब मंडवा लगेगा इसके बाद,